ये एक विषमभुज त्रिकोण है जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग हैं, और एक बहुत मजेदार खेल आप कर सकते हैं। क्या आप इस त्रिकोण को सिर्फ एक बार कैंची चलाकर एक ही दिशा में इस पेपर से काट सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये सिंगल कट ट्रायंगल। और इसके लिए हमें एक साधारण पेपर, पेन और एक स्केल की जरूरत है। सबसे पहले हम एक विषमभुज त्रिकोण बनाएंगे। इसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, और ये खेल विषमभुज और समभुज सभी तरह के त्रिकोणों के लिए लागू है। सबसे पहले हम इस त्रिकोण को भुजाओं से मोड़ते हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले एक भुजा को उठाकर दूसरी भुजा पर रखते हैं। ऐसा करने से हमने इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटा है, और बीच की लाइन जिसने इस कोण को बांटा है उसे हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। फिर हम वापस से दूसरे कोण को भी इसी तरह बांटते हैं। अब ये दोनों लाइन एंगल बाइसेक्टर्स एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे इन सेंटर कहते हैं। और अब हम पाएंगे कि अगर हम तीसरे कोण को भी हम ऐसे बांटें तो वो तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी उसी बिंदु से निकलेगा जिसे इन सेंटर कहते हैं। अब हम तीनों एंगल बाइसेक्टर्स को एक रंग से, एक पेन से मार्क कर देंगे। अब हम इस त्रिकोण को इन एंगल बाइसेक्टर से मोड़ेंगे, और ऐसा करने से हमने देखा कि हमने इस त्रिकोण को तीन बराबर बराबर पत्तियों में बांट दिया, तीन भागों में बांटा है जो बिल्कुल बराबर हैं। और फिर हम ऐसे मोड़ते हैं ताकि ये बराबर भाग नीचे की काली लाइन एक के ऊपर एक बैठ जाएं। ऐसा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमने इन सेंटर यानी जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिले थे उससे हर भुजा पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर खींच दिया हो, और क्योंकि ये इन सर्कल है तो ये लंब, तीनों लंब बराबर होते हैं, और इसीलिए ये एक ही भुजा पर पूरे बराबर बैठ जाते हैं। और अब इस तरह से हमने एक बार कैंची चलाई और बिल्कुल त्रिकोण कागज से एक ही कट में बाहर आ गया। और ये काम हम सिर्फ त्रिभुज के लिए नहीं, किसी भी बहुभुज के लिए कर सकते हैं, यानी किसी भी पॉलीगन के लिए कर सकते हैं, और उसको हम आगे देखेंगे। आशा है आपको ये तरकीब या खेल बहुत पसंद आया होगा कि कैसे एक त्रिकोण को एक ही कट में काट सकें। धन्यवाद।